खबरदार क्यों मुझे हाथ लगाया? अरे तुम जैसे दगाबाजों के लिए मेरे पास आशीर्वाद नहीं, श्राप है श्राप। लो झेलो इन्हें। जैसे तूने मेरी रूपमती को नौ नौ आंसू रुलाया है, तू भी जिंदगी भर कलपती रहेगी, कलपती रहेगी, समझी? हो गया। चल रही। गंगा बात क्या है? जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापस आ जाना। हाँ वैसे हर महीने मनी ऑर्डर पहुंचता रहेगा। क्या मनी ऑर्डर वार्डर करती है? आजकल 200 में होता ही क्या है? जरा महंगाई का ख्याल करके भेजना। चल माँ। ओफो आओ पूनम, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। सुबह से पहली बढ़िया बात की है तुमने। अच्छा तो बाकी सब बेकार था? ये मैं कैसे कह सकता हूँ। भाभी जी आप रहने दीजिए ना, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ, चलो चलो। ओ ओ ओ तुम कहाँ चले? वो चम्मच चलाने के लिए। देखो तुम दोनों, मैं तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ। आओ आप भी आइए ना, गुड्डी ऊपर जाओ। चलो। देखो शरद, तुम्हारे भैया ने ये फैसला किया था, जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि तुम दोनों की शादी करनी पड़ी। अब तुम दोनों की शादी तो हो ही गई है, जब तक तुम दोनों के इम्तिहान खत्म नहीं हो जाते यूं समझो ये शादी हुई नहीं। ऐसे रहना होगा जैसे किसी गुरुकुल में रह रहे हो, गृहस्थ आश्रम में नहीं। समझ गए? या लिख के समझाना होगा? समझ गया। फिलहाल ये मेरे कमरे में सोएगी। अच्छा और मैं? तुम अपने कमरे में। गुड अरेंजमेंट ना? वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन है तू? पानी पानी पीने आया था। पानी तो तेरे कमरे में रखवा दिया था। मुझे कहीं नजर नहीं आया, अब जाके देखता हूं। प्यास लगी है बच्चू को। शरद पानी चाहिए? नहीं। पूनम हाँ, एक कप कॉफी और बढ़िया हो जाए। जी भैया अभी लाती हूँ। शरद ये हर्षद मेहता स्कैम में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये न्यूज पढ़ी तुमने? अरे ये कहाँ गया? शेयर खरीदने। छोड़ो भाई, कोई आ जाएगा तो? हर कोई नहीं आएगा यार। छोड़ो ना, मेरे कॉफी का पानी खोल रहा है। अरे यार मैं खोल रहा हूँ। शरद प्लीज, भाभी ने देख लिया तो? भाभी ने देख लिया तो क्या होगा, आने दो उनको, मैं डरता हूँ क्या उनसे? कोई चोरी की है मैंने? एक बार काटू काटू करने दो ना। शरद गुना लो, किचन में भी चांस नहीं मिलता यार। कॉफी बनाने में काफी देर लग गई। थक गई होगी तो मैं बना दूं कॉफी। नहीं भाभी बन गई कॉफी। ये तुम्हारे गाल पे क्या हुआ? गाल? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी एक मच्छर ने मुझे काट लिया था। मच्छर? हाँ। ये तो बहुत बड़ा मच्छर है। हाँ बहुत बहुत बड़ा था। अब तो रात को तुम्हें मच्छरदानी में ही सुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये बदमाश मच्छर तुम्हें लहू लुहान कर देगा। हो सकता है। कॉफी। हाँ कैसे ठाट है प्यारे? अरे काय के ठाट वाट यार, मैं तो पहले ही ठीक था, जब से शादी हुई है मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। न पढ़ने में दिल लगता है, न रात को नींद आती है।
तो क्या तू शादी के इम्तिहान में फेल हो गया? अरे भाभी ने इम्तिहान में बैठने ही नहीं दिया यार। क्यों? कहती है जब तक इम्तिहान ना हो जाए तब तक ब्रह्मचारी बने रहो। तो ठीक है, हनुमान जी का नाम लेके दंड पे लो। चुप 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 चुप। आइडिया आइडिया। अरे इस्तबुल इस्तबुल यार, सारी दुनिया को आइडिया सुनाएगा क्या? अच्छा तू नॉर्मल बात नहीं कर सकता? कोशिश करता हूँ। कर देख। दिखा। मेरा एक रूम पार्टनर है, वो दिन में बाहर जावे हैं, जावे तो रूम खाली रहे हैं, रहे तुम एक काम करना। करूंगा। तुम कल चले आना। आ गया। और पूनम भाभी को कह देना कि शॉपिंग के बहाने वहाँ पहुँच जाए। वो भी पहुँच जाएगी। अरे सुहाग रात ही ना सही, सुहाग दिन ही सही। क्या आइडिया है भाई, कल सुहाग दिन हो जाए। काश मैं साफ होता। इंद्रलोक की अप्सरा है, तेरे सुहाग दिन को यादगार बना देंगी। पूनम अभी तक नहीं आई। आ जाएगी यार, तू तो तैयार है ना? बड़ी देर लगा दी पूनम भाभी ने, अभी तक नहीं आई। और वो बेचारा अंदर सुके जा रही है बांबू की तरह। आ गई भाभी। भाभी नमस्ते। पूनम भाभी कितना पैसा हो गया? 5 रुपए 50 पैसे। 5 रुपए भाभी। बाबा आप ये आ क्या लगा रखा है? शॉपिंग के लिए गई थी, प्यास से गला चटकने लगा, सोचा चलो पानी पी लूं। भाभी पा 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 कभी पा 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 कभी आ आ आ। तुझे हो क्या गया है? पानी नहीं है, गड़ा खाली हो गया, 3 दिन से मैंने भी पानी नहीं पिया। ये लो भाभी। पूनम तू? हाँ भाभी, मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो प्यास के मारे गला चटकने लगा, सोचा चंपक भाई के यहाँ से पानी पीती जाओ, इसका तो घड़ा खाली है। मेरा घड़ा? मेरा अब माँ खाली है। चल मैं तुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाती। चल 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 चल। आ गई पूनम। इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है? इलू का मतलब ILU। हाँ, आई लव यू। ये बिलू बिलू है? ये बिलू बिलू। ये बिलू बिलू क्या है? ये बिलू बिलू। बिलू का मतलब BLU। बी माने भाभी, एल माने ले गई, यू माने उसको। शरत शरत। अरे भंपू ऐसा हरगिज नहीं, आज तो घर की छत पर खड़े होकर पुकार पुकार के कहूंगा, लगो सुनो, आज मेरा यार शरद कॉलेज में फर्स्ट आया है। मुबारक हो भैया। और पूनम? पूनम भी पास हो गई। शरद शरद तू फर्स्ट आया, मुबारक हो, भगवान तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी दे। गंगा पूनम भी पास हो गई है, शरद फर्स्ट क्लास आया है। भाभी ये सब तुम्हारे आशीर्वाद का प्रताप है। नहीं रे, ये सब पूनम के भाग्य का कमाल है, लक्ष्मी है लक्ष्मी। बेशक गंगा, हालात ऐसे बन गए थे कि हमें इन दोनों की शादी झटपट करनी पड़ी। लेकिन अब तुम ऐसी ढोलक बजाओ, इतनी मिठाइयां बांटो कि दुनिया वालों को पता चले कि हमारे घर में लक्ष्मी आई। अरे क्यों रुला रही हो मुन्ना को? बड़ा बदमाश हो गया है, हर काम पूनम से ही करवाता है। चुप हो जा। आजा मम्मी बात बात पे डांट देती है अपने मुन्ने को। मम्मी से कट्टी कट्टी कट्टी। नहीं नहीं रोते नहीं रोते, अब हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। हाँ आ ले ले ले, आ हंस दिया। बदमाश कहीं का, अभी ये रो रहा था और अभी हंस रहा है, ये जरूर एक्टर बनेगा। अरे क्या हुआ तेरे इंटरव्यू का? इंपीरियल फार्मास्यूटिकल्स सुपरवाइजिंग केमिस्ट। अरे वाह, लगता हम दोनों भाइयों ने पिछले जन्म में दवाइयां दान की थी,
इस जन्म में दोनों के दोनों दवाइयों की कंपनी में। गंगा जी, हमारे शरद को बहुत अच्छी नौकरी मिली है, 6,000 रुपए महीने की। हाँ? मुबारक हो पूनम। भैया ये बस आपका और भाभी का प्रताप है। देखा, मैं ना कहती थी, हमारा शरद इस घर को खुशियों से भर देगा। हमारी बड़ी कोठी होगी, गाड़ियाँ होंगी, VCR होंगी, वॉशिंग मशीन होंगी इस घर में, वो बस, सारी बस, बस, तुम्हारी इतनी लंबी लिस्ट देखकर कहीं ये घबरा ना जाए। क्यों, ये क्यों घबराने लगा? शरद कब से ज्वाइन कर रहे हो? भाभी मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। क्यों, क्यों नहीं कर सकते बताओ ना, कि नौकरी क्यों नहीं कर सकते? अरे भाभी वो कंपनी बहुत दूर है और वो कंपनी वाले स्टाफ को वहीं पर फ्लैट दे रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या, ये भी कोई अटकने की बात है? बिल्कुल, रोज इतनी दूर का आना जाना नहीं हो सकता। अरे रोज का आना जाना कैसा, बताया तो है इसने कि कंपनी वाले इसे रहने के लिए वहीं फ्लैट दे रहे हैं। क्या कह रहे हो, शरद के हमसे अलग रहेगा? तुम लोग खामखा राई का पहाड़ बना रहे हो। आज के जमाने में जब छोटी सी नौकरी के लिए लोग एड़ियां घिसते रह जाते हैं, तुम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए बहस किए जा रहे हो? शरद तुम कल ही इस नौकरी को ज्वाइन करोगे और इस कंपनी का फ्लैट भी लोगे। भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे, कभी कोई दुख देखना नसीब ना हो। नहीं, 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 पूनम जाते हुए इसके हथेली चूम लेना, नहीं तो तुझे याद करके बहुत रोएगा ये। शरद, परमात्मा सदा सुखी रखे। अपना ख्याल रखना शरद, और पूनम को हमेशा खुश रखना। चल।